अभिनेता धर्मेंद्र और हेमा मालिनी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से कम और अपनी निजी जिंदगी की वजह से काफी सुर्खियों में रहे। आप सभी जानते हैं कि हेमा और धर्मेंद्र की लव स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं है, ना जाने कितने ही उतार चढ़ाव आए। एक वक्त तो ऐसा आया जब हेमा मालिनी के माता पिता उन पर कड़ी निगरानी रखते थे, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि हेमा मालिनी धर्मेंद्र के साथ कोई भी ताल्लुक रखे। जाहिर सी बात है, जब हेमा मालिनी धर्मेंद्र के प्यार में थी तब धर्मेंद्र 4 बच्चों के पिता थे। कोई भी माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी 4 बच्चों के पिता से प्यार करे या शादी करे। संजीव कपूर से लेकर जितेंद्र तक हेमा मालिनी से शादी के सपने देख रहे थे, लेकिन हेमा मालिनी धर्मेंद्र के प्यार में पड़ चुकी थी और दिलो दिल वो चाहती थी कि वो धर्मेंद्र की हो जाए। किस्मत को भी शायद यही मंजूर था और लाख सख्तियों के बावजूद धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने 1980 में एक दूसरे के साथ शादी कर ली। हालांकि ये शादी जो थी, इसके लिए धर्मेंद्र को मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ा, क्योंकि धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक नहीं दिया था। 2 पत्नियां धर्मेंद्र की हैं, लेकिन आप सबको हैरानी होगी कि हेमा मालिनी और प्रकाश कौर की शादी के बाद, धर्मेंद्र और हेमा की शादी के बाद कभी कोई मुलाकात नहीं हुई। ना जाने कितने त्योहार आए, ना जाने कितने फंक्शंस हुए। हाल ही में सनी देओल के बेटे की शादी थी, लेकिन किसी भी फंक्शन में ना तो हेमा मालिनी गई और ना ही हेमा मालिनी की बेटियों की शादी में प्रकाश कौर या उनके परिवार से कोई भी आया। लेकिन इस बात का मलाल ना तो प्रकाश कौर को है और ना ही हेमा मालिनी को है। हेमा मालिनी ने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि जब मैं धर्मेंद्र से शादी करने वाली थी तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं उनके पहले परिवार में किसी भी तरह की कोई दखलंदाजी नहीं करूंगी। मैं सक्षम हूं, अपनी गरिमा बनाए रखना चाहती थी और इसीलिए मैंने कभी भी कोई पहल नहीं की, कोई शुरुआत नहीं की कि मैं धर्मेंद्र की पहले परिवार से मुलाकात करूं या किसी भी तरह का कोई भी उनसे संपर्क रखूं, क्योंकि मैं कला से समर्पित हूँ, कला और फिल्मों से, मनोरंजन से। तो मैंने अपनी ज़िंदगी को इसी तरफ पूरी तरह फोकस कर दिया। धर्मेंद्र एक अच्छे पिता हैं, उन्होंने बेटियों के प्रति और मेरे प्रति पूरी जिम्मेदारी निभाई है। दूसरी तरफ प्रकाश कौर का भी यही मानना है। प्रकाश कौर ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि हेमा मालिनी है ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी उन पर दिल हार बैठता। अगर धर्मेंद्र ने ऐसा किया तो क्या गलत किया। और आज भी मैं अपने पति का बहुत सम्मान करती हूँ, क्योंकि मेरे पति ने अपना फर्ज पूरी तरह निभाया है। कभी भी उन्होंने ना मेरे साथ और ना हेमा के साथ कुछ गलत किया। हर मोर्चे पर वो मेरे साथ खड़े रहे हैं। मुझे यकीन है कि जब भी मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तब धर्मेंद्र मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। और ठीक हेमा मालिनी का भी यही कहना है, लेकिन आपस में ना प्रकाश कौर हेमा मालिनी से मिलना चाहती हैं और ना हेमा मालिनी प्रकाश कौर से। दोनों सौतन कभी एक दूसरे से ना मुलाकात करना चाहते हैं, ना कोई बात करना चाहते हैं। प्रकाश कौर का दर्द भी छलका था एक इंटरव्यू में कि मुझे यकीन नहीं था कि इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन हेमा मालिनी की खूबसूरती के आगे कोई भी दिल हार बैठता, यही हुआ। उसके बावजूद प्रकाश कौर ने हेमा मालिनी पर अपना घर तोड़ने का कोई आरोप नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि मैं हेमा मालिनी का सम्मान करती हूँ और हेमा मालिनी मेरा सम्मान करती है। दोनों परिवार जो हैं वो अलग अलग रहते हैं। हेमा मालिनी का परिवार अलग और धर्मेंद्र का पहली पत्नी का परिवार जो है वो अलग रहते हैं, किसी भी फंक्शन में नजर नहीं आते। हालांकि हेमा मालिनी की बेटी, बड़ी बेटी ईशा देओल जो है वो प्रकाश कौर से मुलाकात कर चुकी हैं, वो भी तब
जब अभय देओल के पिता जो थे वो बीमार थे, अजीत देओल, तब ईशा देओल जो है वो प्रकाश कौर के घर गई थी। तब उनकी मुलाकात प्रकाश कौर से हुई थी ईशा देओल की, लेकिन अहाना देओल की मुलाकात ना तो कभी प्रकाश कौर से हुई और ना ही वो उनके घर गई और ना ही हेमा मालिनी कभी भी शादी के बाद प्रकाश कौर से मिली और ना ही उनके घर गई और ना ही प्रकाश कौर के बारे में ज़्यादा चर्चा करना चाहती है। वैसे आप सब बताइएगा कि क्या हेमा मालिनी ने ये शादी करके सही किया था? प्रकाश कौर भले ही ना बोल पाती हूँ, अपने दर्द को बयान नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन तकलीफ तो ज़रूर उनके मन में होगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।